नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में आयोजित रक्षाबंधन मिलन समारोह में प्रतिभाग किया। बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाओं ने सीएम धामी को राखी बांधी। सीएम धामी ने इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि माताओं बहनों के आशीर्वाद से राज्य सरकार जनहित के कार्यों को आगे बढ़ा रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सरकार का मूल मंत्र है। सीएम धामी ने कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को रक्षाबंधन की बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि माताओं और बहनों का जो आशीष और स्नेह मिल रहा है, उससे प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है। सीएम धामी ने कहा कि रक्षाबंधन के दिन माताओं बहनों के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में यात्रा पूर्ण रूप से निःशुल्क रहेगी। इस रक्षाबंधन पर्व पर आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ₹1,000 की धनराशि उपहार के रूप में दी जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मातृ शक्ति के जीवन में सुधार लाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं। इनमें उज्ज्वला, स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना आदि मुख्य हैं। सीएम धामी ने कहा कि भाव में भगवान होते हैं। हमारी सरकार का भाव जनसेवा है। समाज की आखिरी पंक्ति में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रमुख ध्येय है। उन्होंने कहा कि कोविड काल में ऑनलाइन पढ़ाई के महत्व को देखते हुए कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा मोबाइल टैब दिया जाएगा, जिनसे उनकी शिक्षा में और सुधार होगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में 24,000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और सरकारी नौकरी के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि बड़े स्तर पर सरकार विभिन्न क्षेत्रों में लाखों लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास भी कर रही है। सरकार की मंशा है कि प्रदेश के युवा एवं महिलाएं रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बैंकों से मिलने वाला ऋण की प्रक्रिया को सरल करते हुए शिविरों के माध्यम से जरूरतमंदों को शिविर में ही ऋण स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित करें। सीएम धामी ने कहा कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बड़े पैमाने पर बाजार में स्थान दिलाने हेतु सरकार लगातार प्रयास कर रही है, ताकि माताएं और बहनें आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से हुए नुकसान से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उबारने हेतु लगभग 119 करोड़ रुपए का सहायता पैकेज दिया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि कोविड काल में प्रतियोगी परीक्षाएं ना होने के कारण सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरी की भर्ती में आयु सीमा में 1 साल की छूट दी है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में MBBS इंटर्न के स्टाइपेंड को ₹7,500 प्रति माह से बढ़ाकर ₹17,000 किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग NDA, CDS एवं उसके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने पर परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी के लिए ₹50,000 की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरें पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।